नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम डे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। ये स्टॉक काफ़ी मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा हमें बाय कर सकते हैं उसे, क्योंकि हम खरीद सकते हैं इस स्टॉक को। काफ़ी अच्छे रेंज में आपको मिल रहा है। तो लिस्टिंग दे सकते हैं 24 जुलाई 1996 को हुई थी। रिफेलर एंड मार्केटिंग में आता है ये। पी देख सकते हैं इसका सेक्टर का पी, ये निफ्टी 50 में आता है। तो बहुत बढ़िया से स्टॉक परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि बाइंग रेंज अभी यहाँ पे आपको अच्छी खासी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि लो चल रहा है अभी यहाँ पे इंट्राडे का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे 1 साल का भी आप इसमें जो लो देख सकते हैं, और हाई यहाँ पे देख सकते हैं कि 94 गया था। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे जो अभी लो चल रहा है, लगभग सेम थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे वो हम कह सकते हैं कि 2-3 रुपये उसके ऊपर नीचे चल रहा है। एक लगभग 67 रुपीज़ था लो, और हाई था यहाँ पे 94 रुपीज़ लगभग। तो इस तरीके से अभी यहाँ पे 2-3 रुपये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो आपको ये लो के प्राइस में मिल रहा है, तो अच्छी बात है। चलिए कुछ दिनों का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, कुछ सालों का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक दिन का रिटर्न देख सकते हैं, एक वीक का देख सकते हैं, एक मंथ का देख सकते हैं, और एक ईयर का देख सकते हैं। लगभग 5 ईयर का मैक्सिमम देखे तो अच्छा प्रॉफिट इसमें बनाया है। लेकिन अगर आप ऐसे भी बात करें तो काफ़ी काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि अभी इसमें थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बहुत केयरफुली और स्टॉप लॉस लगा के हमें यहाँ पे उतरना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे ये भी यहाँ पे ऐसे कुछ रेंज नहीं दिखाई दे रही कि उस में हम यहाँ पे लगभग 3 महीने 4 महीने या फिर साल के अंदर हम पैसा लगा कर निकल जाए। ऐसा नहीं, आपको प्रॉफिट मिला तुरंत आप यहाँ से निकल जा सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए कि उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं, जो कि हम नेट प्रॉफिट। हाँ, यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट की बात बात करें तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लो होते 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 यहाँ से ऊपर चला गया, फिर यहाँ से मेरे ख्याल से और ऊपर चला गया, फिर और ऊपर चला गया, थोड़ा सा माइनस में आया मेरे ख्याल से। कोविड का भी नहीं समय था, वो उसके नीचे था, फिर कोविड में तो माइनस में चला गया। तो अक्सर ये सही बात है, कोविड के समय वो माइनस में, फिर कोविड के बाद अच्छी खासी उसने छलांग लगाई, और 2100 अभी यहाँ पे 2500 पे गया है, यानी 25,000 के ऊपर चला गया है। तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है, थोड़ा सा ये अप डाउन हो गई, अभी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है। तो इसमें कोई दाव राय नहीं है कि हम थोड़ा सा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम चैट के ऊपर चलते हैं। तो चैट के ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि सपोर्ट कितना बढ़िया आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि इस सपोर्ट को काफ़ी दिनों तक हम यहाँ पे इसे हैंडल कर सकते हैं। और इसे हम थोड़ा सा और जूम आउट अभी हमने किया नहीं है, थोड़ा सा हम करते हैं, थोड़ा सा चैनल बनाते हैं, एक ऐसा जो कि एक ग्राफ बना देते हैं। इस ग्राफ के बाहर अभी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा इसे हम इस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर लेते हैं। अब हम बताएंगे आपको कि इसके बारे में थोड़ा सा आगे नीचे करेंगे, कि ऊपर का भी हमें टारगेट हमें सेट करना चाहिए। एक रेंज हमें मिल रही है, तो हमें तो बाइंग रेंज मिल रही है, सपोर्ट अच्छा खासा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 साल का लो चल रहा है, 1 साल का लो 67 रुपीज़ है, जो कि आपको यहाँ पे 1 साल का लो मिल रहा है 67 के ऊपर। अभी यहाँ पे स्टॉक चल रहा है अभी यहाँ पे लगभग 69, और अभी 67 पे यहाँ पे 1 साल का लो है। ये सपोर्ट उसी का हमने निकाला 1 साल का, तो इस तरीके से ये ऊपर चला गया। और हाई सबसे बढ़िया था, वो हाई था लगभग आपको यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे 91 रुपीज़ का भी यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन हमें दिखाई दे रहा है। तो ये टारगेट हमें मिल सकता है कि नहीं, समझो इस वक्त अभी यहाँ पे हम सोचे तो काफ़ी हद तक, क्योंकि अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से नीचे आने के बाद 91 के नीचे आने के बाद ये पूरी तरीके से टूट कर यहाँ पे लगभग इस लेवल के ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा इसे कलेक्शन आया, और फिर इसने ये रेंज पकड़ी। ये रेंज थी 79 रुपीज़ की, हम यहाँ पे
76 रुपीज़ की रेंज थी यहाँ पे इस जोन में। जो ये रेंज की कितनी है यहाँ पे देख सकते हैं आप, 76 की ये रेंज है। अगर हम थोड़े से नीचे करें तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि लगभग ये थोड़ा सा ड्राइंग को थोड़ा सा कट करते हैं और ये रेंज आपको बताने की कोशिश करेंगे। ऊपर की रेंज है 76 की और नीचे की रेंज है यहाँ पे, ये जो रेंज हमें दिखाई दे रही है ये है 68 की रेंज। ये दो रेंज के बीच में अभी यहाँ पे स्टॉक घूम रहा है, तो हमें अभी यहाँ पे इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं कि 90 पे 69 पे बाय करें या ना करें। तो मेरे ख्याल से आप 69 पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए साइडवेज चल रहा था पूरा यहाँ पे एकदम एकदम। ये बॉक्स हमने बनाया, इस बॉक्स के नीचे ही अभी तक ये ट्रेड कर रहा था। ये बॉक्स के ऊपर या नीचे जाने की कोशिश अभी इसने एक बार की थी यहाँ पे और यहाँ पे एक बार की थी, जो कि नीचे गया था और फिर से ऊपर आया। लेकिन अभी यहाँ पे देख सकते हैं इस रेंज में चल रहा है, तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं यहाँ पे 60। उसका जो लो था यानी पूरे इस इसका तो 1 वीक 1 साल का, तो वो हमने अभी यहाँ पे थोड़े से सिर्फ हम 2 रुपये उसके कम है, तो हम यहाँ पे इसमें एंट्री ले सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। और हमारा टारगेट जो होगा वो हम कह सकते हैं कि इसका हम इस यहाँ पे टारगेट हम 74 रुपीज़ रख सकते हैं, क्योंकि 74 रुपीज़ रखने के बाद आपको यहाँ पे अच्छा खासा आपको यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 67 रुपीज़ का सपोर्ट जोन है, ये काफ़ी बढ़िया सपोर्ट जोन है, काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। इसके नीचे अक्सर टूटने के बाद ये हो सकता है कि ये टूटने के बाद बहुत नीचे आ जाए, लेकिन ये टूटने के चांसेस बहुत कम है। कम किस लिए है तो आपको वो भी दिखाता हूँ, क्योंकि कब इसने ये जोन तोड़ा था। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे करते हैं और थोड़ा सा इसे ऊपर कोशिश करते हैं लाने की। तो यहाँ पे इस चीज़ में आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर चला गया था यहाँ पे, तो ये था 21 का, तो मई 10/21 के जब ये ऊपर आया उस टाइम से लेके मई जब यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे ऊपर चला गया, नहीं क्या यहाँ से समझो 11 मई 2021 से वो ये ऊपर चला गया है, अभी तक यहाँ पे स्टॉक ऊपर है यानी इस रेंज के ऊपर है। कौन से रेंज के? लगभग यहाँ पे 79 के ऊपर के स्तर पर ये स्टॉक अभी चल रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अभी ये जो कि जोन ये सपोर्ट जोन है ये काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से टूटने के चांसेस बहुत कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जिस तरीके से यहाँ से इसने थोड़ा सा इस बॉक्स के ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आया, फिर साइडवेज चला गया, फिर से इसने थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश की है, तो हो सकता है कि यहाँ से उठ कर आपको यहाँ पे ये स्टॉक आपको यहाँ पे हमने जो बताया था कि आपको यहाँ पे जो टारगेट रखने का है 74 रुपीज़ का रखने का है, ताकि आप यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे आपको एक टारगेट मिल सके। ज़्यादा ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अगर ये इसके नीचे चला जाता है तो उसका भी हमें सपोर्ट जोन देखना चाहिए कि कौन सा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं ये सपोर्ट जोन होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार उसने ऊपर जाने की कोशिश की है। तो ये 40 हमें एक और रेंज मिली जो कि हमें मिलती है यहाँ पे 47 रुपीज़ की, ये रेंज ये 67 रुपीज़ की रेंज है और ये 91 रुपीज़ की रेंज है। हमें यहाँ पे तीन हमें रेंज मिली है यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो हम यहाँ पे हम ये रेंज में हम अगर आपको इसमें बताएंगे, अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं समझो 69 पे, तो आपका टारगेट तो मेरे ख्याल से यही होगा कि आप 64 पर आप यहाँ से एग्जिट मार सकते हैं। आप टारगेट 5 रुपये का रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आप हमें लगता है कि स्टॉप लॉस आप वही रखेंगे जो कि हम 67 रुपीज़ का हमने आपको बताया था वो रखेंगे, क्योंकि सपोर्ट जोन है। तो हम यहाँ पे 1 रुपये कम कर सकते हैं, 66 रुपये का भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे वो रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉक आने के बाद हो सकता है कि उठ सकता है। अगर यहाँ से नीचे फिसला तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे ये रेंज मिलती है, कौन सी? यहाँ पे 47 रुपीज़ की ये रेंज मिलती है, यहाँ तक स्टॉक आ सकता है नीचे। अगर यहाँ से ये उठकर इसने अगर ऊपर चला गया तो हो सकता है कि आपको ये रेंज कहाँ तक मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ये स्टॉक यहाँ तक गया था यानी 78 पे गया था। 78 पे जाने के बाद फिर नीचे आया, फिर से इसने
ऊपर चला गया, और ऊपर चलने के बाद ये लगभग आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 94 रुपीज तक भी गया है। लेकिन हम इतना आशा नहीं कर सकते, हम ज़्यादातर हम जो टारगेट हम नकदी का ही रखने वाले, तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसने अच्छा खासा 94 रुपीज़ का भी इसने टारगेट अचीव किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टारगेट जो है 90, यहाँ पे जाने के बाद इस जोन में, ये जोन कौन सा है, ये हम वही जोन बता रहे हैं कि 69 रुपीज़ का जोन है। इसके जब सपोर्ट मिलने के बाद ये ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद 90 का टारगेट मिला, फिर से ये नीचे आया। यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सा है, ये 78 का जोन हम कह सकते हैं, ये जोन हम कह सकते हैं, ये जोन हम कह सकते हैं। तो उसी जोन में अभी यहाँ पे चल रहा है, तो हम वही टारगेट रखेंगे कि अभी यहाँ पे बाय हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे लगभग यहाँ पे 2 स्टॉप लॉस रखेंगे, जो कि 66 रुपीज़ का होगा और 67 रुपीज़ का होगा, और टारगेट हम सिर्फ एक रखेंगे यहाँ पे, वो है 74 रुपीज़ का। उसमें हम नज़दीक ज़्यादा यहाँ पर नज़दीक का टारगेट रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ के आगे भी रख सकते, जैसे कि आप बोलेंगे यार ये भी रखने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें इस यहाँ रिजन को अच्छी तरह से इसने मेंटेन किया है, इस तरीके का नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, टारगेट जब यहाँ पे इतना बढ़िया लंबा टारगेट होता है, तो काफ़ी दिनों तक ये यहाँ पे देख सकते हैं, कितने दिनों से बताने की कोशिश करूँगी, ये जोन में कितने दिनों से खेल रहा है। थोड़ा सा हम इसे थोड़ा सा जूम आउट करके है आपको बताने की कोशिश करेंगे, अगर आप बताने की, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया, नहीं, यहाँ पे आप तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 10 जून से लेके 22 सितंबर के बीच में ये स्टॉक, अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि रेंज कौन कौन सी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेंज उसकी ये है, ये आप एक रेंज कौन सी है, ये नीचे वाली सबकी, यहाँ पे एक रेंज है यहाँ पे 67.90 रुपीज़, और ऊपर की कितनी की है 76 पॉइंट यहाँ पे 50 की, यानी लगभग ये जोन में आपको यहाँ पे कितने दिनों से, यहाँ पे देख सकते हैं 10 यहाँ पे जून से लेके 22 सितंबर के बीच में, इतने दिनों से ये स्टॉक यहाँ इस मोमेंट में खेल रहा है, यानी लगभग आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लगभग कितने रुपए में खेल रहा है, 9 रुपए के अंदर, यानी 9 रुपए के अंदर ये स्टॉक कितने दिनों से खेल रहा है, जून से लेके सितंबर के बीच में। यहाँ पे जून देखिए, जून हो गया, यहाँ पे कितने महीने आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 3-4 महीने हो गए ये उसी रेंज में स्टॉक चल रहा है। तो हम उसी तरह तरीके से हम ये जो कि हम स्टॉप लॉस जो टारगेट जो रखेंगे वही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा हमें उसके ऊपर वाला टारगेट नहीं रखना, नज़दीक वाला हमें टारगेट रखने का है, जो कि होगा यहाँ पे 74 रुपीज़ का, और हम एंट्री हम यहाँ पे लेंगे 69 पे लेंगे, और स्टॉप लॉस हम 2 रखेंगे यहाँ पे, 67 का भी रखेंगे अगर आपको अच्छा है, और 66 रुपीज़ का भी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जोन काफ़ी बढ़िया है, और इसमें के नीचे आता है सपोर्ट जोन के, तो ये हम यहाँ पे रखेंगे, और इसके पीछे अगर इसके नीचे आता है समझो इस प्राइस के, तो ये हो सकता है कि आप स्टॉक आपको यहाँ पे लगभग आपको यहाँ पे थोड़ा सा गिरते हुए दिखाई दे, और आपका जो टारगेट होगा वो होगा 47 रुपीज़ तक भी इसका लुढ़क सकता है। तो इस चांसेस मेरे ख्याल से उतने आने के चांसेस कम है, क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रेड जो हो रहा है ये साइडवेज का मूवमेंट, अभी मेरे ख्याल से निकल जाने की चांसेस बहुत यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों तक ये साइडवेज चल रहा है, मार्केट के बीच में नहीं आ रहा, किसी साइड में जाकर छुप गया है, लेकिन प्रॉफिट और सब कुछ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें थोड़ा सा मूवमेंट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ जहाँ इसने देखिए हर तरीके से रेड पे रेड, रेड पे रेड कैंडल बना के, यहाँ पे देखिए लगभग 9 सितंबर से लेके अभी यहाँ पे हर दिन एक रेड कैंडल यहाँ पे मिल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरीके से काफ़ी काफ़ी हद तक इसने इस तरीके से रेड कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे कुछ समय रखने के बाद ये ऊपर चला गया है, तो इस तरीके से अभी यहाँ पे ये हम कह सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने बड़े इसके आगे कितने बड़े रेड कैंडल मिले, फिर उसने ऊपर चलाए, फिर से उसने इस तरीके से तो हम कह सकते हैं कुछ पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है इसमें। तो अभी साइडवेज तो है, लेकिन आपका एंट्री का समय सबसे बढ़िया है, क्योंकि अभी यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मूवमेंट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।